हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त युगवीर सिंह आर्य। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेटवर्क मीडिया। लाइक इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द टोपोलॉजीज कि हम डिवाइसेस को किस वे में कनेक्ट करते हैं, फिजिकली उनको किस तरह से कनेक्ट करते हैं, बट किसके थ्रू कनेक्ट करते हैं, दैट इज अबाउट द मीडिया। सो हियर इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेटवर्क मीडिया कि कौन कौन से मीडियाज हैं जो कि नेटवर्किंग के लिए हम यूज करते हैं। So there are different kind of wired network and wireless as well. So here we will discuss about the both. So let's start. First, if we talk about the cabling, that means wired media. तो wired media की अगर हम बात करते हैं, LAN के अंदर या WAN के अंदर जो भी हम use करते हैं, that is the different types of cables are available in the market. So first, nowadays अगर हम LAN की बात करते हैं तो उस LAN में हम use करते हैं normally UTP and STP cables. अर्लियर टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं, लाइक जब हम बस टोपोलॉजी यूज करते थे, जस्ट लाइक इन लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस कि पहले जब बस टोपोलॉजी आया था तो उसके अंदर हम यूज करते थे ओनली एंड ओनली कोएक्सल केबल। लाइक अभी भी हम यूज करते हैं एक बहुत ही छोटे नेटवर्क के अंदर, सेम लाइक योर टेलीविजन एज वेल। सो कोएक्सल केबल स्टिल इन यूज, बट इफ यू टॉक अबाउट द नेटवर्किंग और लैन, तो वहां पर हम यूज करते हैं नाउडेज UTP or STP cable, and fiber optic cables are used basically for the WAN, for the high speed bandwidth. So there are different types of LAN cables which are available in the market, which are used for the networking. So here we will discuss one by one about all. So first, let's discuss about coaxial cable. So इसके अंदर भी अगर मैं बात करता हूँ तो दो तरह की आपकी cables होती हैं, basically एक copper cable और दूसरी आपकी ग्लास और फाइबर केबल। तो अगर हम बात करते हैं कॉपर केबल की, तो कॉपर केबल्स में आपकी कोएक्सल केबल आती है एंड ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं। तो ट्विस्टेड पेयर के जो पार्ट्स हैं, दैट इज यूटीपी एंड एसटीपी। रिमेंबर, हम दो तरह की केबल्स हैं आपकी कॉपर केबल, कॉपर केबल्स में आपकी कोएक्सल केबल होती है प्लस ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल्स उनको इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ उस केबल के अंदर जो भी नंबर ऑफ वायर्स होते हैं वो पेयर में होते हैं और आपस में ट्विस्टेड होते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स आपकी दो तरह की होती हैं, यूटीपी एंड एसटीपी। एंड फाइबर की अगर हम बात करते हैं, ग्लास की बात करते हैं, तो वहां पर हम यूज करते हैं दैट इज फाइबर ऑप्टिक केबल। तो लेट्स डिस्कस, फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट कोएक्सल केबल। तो कोएक्सल केबल क्या है आपकी, बहुत पहले हम यूज करते थे, सिंपल है, कॉपर केबल है, कॉपर कंडक्टर उसके अंदर यूज किया जाता है। लेयर की शील्डिंग होती है, अगर आपने देखा हो टीवी केबल्स को, तो अंदर जब हम इसको वायर को निकालते हैं तो देन दिस काइंड ऑफ शील्डिंग विल बी देयर। उसके बाद आपका कॉपर का वायर होता है, तो चार तरफ से शील्डिंग होती है विच इज यूज टू प्रोटेक्ट दिस फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और लाइक इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस इट्स प्रोटेक्ट दिस वायर एंड देयर इज नो कॉलिजन विल अकर, there is no interference will occur during the data transmission. So this is copper cable and shielded with the ground wire and outer jacket is like this. So nowadays, as I told you, nowadays we are not using in the networking, however in small networks you can see this, small networks mein abhi bhi kahin par aapko mil jayega, but in generally if we talk nowadays we are using only and only UTP and STP cables for the LAN. So इस केबल को हम यूज करते थे earlier only and only for what, like bus topologies. यहां की अगर बात करते हैं, this was used for the bus topologies. Okay, but many LAN products at its showing are dropping support of coaxial cable connectivity. Clear? अब अगर हम बात करते हैं coaxial cable जो अवेलेबल है वो दो तरह से अवेलेबल है, दैट इज थिक नेट एंड थिन नेट। थिक नेट केबल जो ओरिजिनली यूज की जाती है आपकी ईथरनेट के लिए, ईथरनेट दैट मींस वी विल डिस्कस अबाउट इट आल्सो। ईथरनेट इज अ लैन नेटवर्क, इन सिंपल वर्ड्स यू कैन सी, नाउडेज हम इसको यूज नहीं करते हैं। थिक नेट इज ऑल्सो कॉल्ड 10 बेस 5। वॉट इज मीन 10 बेस 5? 10 बेस 5 मीन्स 10 Mbps स्पीड, ये मैक्सिमम सपोर्ट करती है, बेसबैंड टेक्नोलॉजी एंड अप टू 500 मीटर लेंथ में आप इसको यूज कर सकते हैं विदाउट एनी रिपीटर और विदाउट एनी डिवाइस। अगर आप
डायरेक्ट कनेक्टिविटी करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी करते हैं, तो इट कैन सपोर्ट अप टू 500 मीटर लेंथ, 10 एमबीपीएस की स्पीड होगी, बेसबैंड टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। सी थिननेट की अगर हम बात करते हैं तो थिननेट केबल इस अगर डायमीटर की, सो ऑफकोर्स इट्स स्मॉलर देन थिकनेट, डायमीटर में दैट मीन्स थिन होती है। थिकनेट को इसने रिप्लेस किया, नाउ अडेज नो लॉन्गर इन यूज, सो एनी वेयर स्मॉल नेटवर्क में आप यूज देख सकते हैं, सो एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू। सो 10:2 इज 10 एमबीपीएस स्पीड, बेस बैंड टेक्नोलॉजी एंड 200 मीटर, सो 200 मीटर इट्स एग्जैक्टली इज द 185 मीटर इट्स कॉल्ड। सो रिमेंबर कोएक्सियल केबल कॉपर केबल थी या अभी भी है, कॉपर केबल है जिसकी शील्डेड होती है और उसके अंदर जो कनेक्टर हम यूज करते थे दैट इज बीएनसी कनेक्टर, एंड लैन के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूज की जाती थी आपकी बस टॉपोलॉजी के अंदर, नॉट इन अदर टॉपोलॉजी। सो नाउअडेज वी आर नॉट यूजिंग बस टॉपोलॉजी, सो दैट्स व्हाई दिस केबल इज नॉट इन यूज एनीमोर। क्लियर? दो तरह की केबल्स थी आपकी, थिकनेट दैट्स ऑल्सो कॉल्ड 10:5, 10 एमबीपीएस बेसबैंड टेक्नोलॉजी अप टू 500 मीटर लेंथ, थिननेट केबल जो कि 10:2 इट्स कॉल्ड 10:2, 10 एमबीपीएस बेसबैंड टेक्नोलॉजी एंड 200 मीटर, एग्जैक्ट इज 185 मीटर। क्लियर? आई होप इट विल रिमेंबर फॉर यू। सो नेक्स्ट इज नथिंग एल्स इन दिस, सो बीएनसी कनेक्टर था आपका, ब्रिटिश नवल कनेक्टर जो कि यूज किया जाता है। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द ट्विस्टेड पेयर केबल, तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स में आपकी दो तरह की केबल्स अवेलेबल हैं, यूटीपी एंड एसटीपी। यूटीपी इज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड एसटीपी इज शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, ये आपकी अनशील्डेड है जिसके अंदर फोर पेयर वायर्स हैं, यू कैन सी दैट दीज आर द फोर पेयर, दैट मीन 8 वायर्स हैं एंड एवरी पेयर इज ट्विस्टेड, सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। ओके, हम इसको पहले इसका स्टार्ट हुआ तो लैन के अंदर हम इसको यूज करते थे, उसके बाद टेलीफोन सिस्टम्स में हम यूज करते थे, टेलीफोन सिस्टम्स में टू पेयर केबल्स यूज की जाती है, नॉट फोर पेयर केबल, दैट इज ऑल्सो यूटीपी केबल। सो टू पेयर केबल्स होती थी टेलीफोन सिस्टम्स में जहां पे RJ11 यूज होता था, बट इन लैन टेक्नोलॉजी इफ यू टॉक अबाउट नाउडेज ऑल्सो अगर हम स्टार टॉपोलॉजी की बात करते हैं, सो वी आर यूजिंग ओनली एंड ओनली यूटीपी और आइदर एसटीपी। एसटीपी थोड़ा कॉस्टली होता है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी द यूटीपी केबल ओनली, इट्स चीपर, इट्स इजी टू मेक, यू कैन मेक इट लाइक स्ट्रेट केबल, क्रॉस ओवर केबल, वी विल डिस्कस लेटर ऑन अबाउट इट। सो इट्स इजी, चीपर देन एसटीपी केबल, इजली हम इसको बना सकते हैं, इजली क्रिम्पिंग कर सकते हैं इसकी, दैट मीन्स RJ45 कनेक्टर इसमें इजली हम कनेक्ट कर सकते हैं, सो इट्स वेरी इजी एंड यू कैन यूज इट फॉर द स्टार टॉपोलॉजी। तो यूटीपी केबल में सिर्फ और सिर्फ क्या है, बाहर एक ओनली एन आउटर जैकेट प्रोवाइड किया जाता है एंड अंदर आपको सिर्फ 8 पेयर केबल्स होंगी, एंड ऑलवेज दीज आर द स्टैंडर्ड कलर्स, यू विल नॉट सी द डिफरेंट कलर देन दीज आर शोइंग, सो यू विल सी द पेयर ऑफ वन ऑरेंज, अदर वायर विल बी हियर विद व्हाइट, ऑन दैट व्हाइट यू कैन सी द स्मॉल लाइन ऑफ ऑरेंज। रिमेंबर वन वायर इज कंप्लीट विथ फुल कलर एंड अदर वायर विल बी व्हाइट विथ स्मॉलर लाइन ऑफ दैट कलर इन एवरी पेयर। लाइक यहां पर ऑरेंज है तो ऑरेंज की एक सिंगल लाइन मिलेगी आपको व्हाइट पर, यहां पर अगर हम ग्रीन यूज कर रहे हैं फुल सो आपको अनदर व्हाइट पर स्मॉल ग्रीन लाइन दिखेगी, ब्राउन है तो ब्राउन पर ब्राउन लाइन होगी, स्मॉलर लाइन, सेम ब्लू। सो देर आर ओनली फोर पेयर एंड रिमेंबर दीज आर द स्टैंडर्ड कलर्स, ऑलवेज एंड ऑलवेज यू विल सी these colors only in UTP and STP cables, orange orange white, green green white, brown brown white and blue blue white. Why these are the standard colors we will discuss whenever we are making the or crimping this cable like this, whenever we are connecting the RJ45 connector then we need to follow the standard color coding, so that's why we have the standard colors in this. So LAN devices mein yahan pe RJ45 connector use kiya jata hai, यूटीपी केबल है जिसको हम लैन के अंदर यूज करते हैं, नाउडेज स्टार टॉपोलॉजी के अंदर या लैन के अंदर हम ऑलवेज एंड ऑलवेज वी आर यूजिंग यूटीपी और आइदर एसटीपी। सो दिस इज अ यूटीपी केबल। यूटीपी केबल इज ऑल्सो अवेलेबल इन द डिफरेंट कैटेगरीज दैट इज कॉल्ड कैट। यूटीपी
या एसटीपी की जो कैटेगरीज हैं, हम उनको कैट से प्रोनाउंस करते हैं कैटेगरीज को. सो देयर नाउअडेज देयर मल्टीपल कैटेगरीज आर अवेलेबल. इफ वी टॉक अबाउट द कैट वन, दैट इज कैटेगरी वन, इट वॉज सपोर्टिंग ओनली एंड ओनली 1 Mbps स्पीड. इसकी जो सपोर्ट था, इट वॉज ओनली एंड ओनली 1 Mbps, जिसको हम यूज करते थे ओल्ड टेलीफोन केबल्स में. दैट वॉज टू पेयर केबल. रिमेंबर, इट वॉज टू पेयर केबल विच वॉज यूज इन टेलीफोन लाइन्स. उसके बाद कैट टू आया, यूटीपी कैट टू, जो कि सपोर्ट करता था अप टू 4 Mbps एंड इट वॉज यूज इन टोकन रिंग नेटवर्क. टोकन रिंग, इफ यू रिमेंबर, दैट इज अंडर द रिंग टोपोलॉजी. हम टोकन ट्रांसफर करते थे व्हेनेवर द डेटा इज ट्रांसफरिंग, तो दैट डेटा वॉज ट्रांसफरिंग इन द टोकन, सो दैट इज कॉल्ड टोकन रिंग नेटवर्क. सो टोकन रिंग के अंदर हम इसको यूज करते थे एंड स्पीड वॉज अप टू 4 Mbps. एम तक प्रेजेंटिंग है मेगा एंड स्मॉल बी एंड कैपिटल बी. रिमेंबर व्हेनेवर वी विल टॉक अबाउट द डेटा रेट, रिमेंबर इट, स्मॉल बी ऑलवेज प्रेजेंट बिट एंड कैपिटल बी प्रेजेंट्स बाइट. सो हियर व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ नेटवर्क और बैंडविड्थ ऑफ द नेटवर्क, देन इट्स ओनली मेजर इन बिट पर सेकेंड, नॉट बाइट पर सेकेंड. But whenever you download something, then it download in the byte per second. So here, इसकी जो speed थी, that was 4 Mbps, that means 4 megabit per second. Category 3 आया, जो कि support करती थी up to 10 Mbps, और वो length support करती थी up to 100 meter. Like, हमने अभी पीछे बात की कि जो coaxial cable थी, 10/5, यानी thick net support करती थी up to 500 meter, and thin net support करती थी up to 200 meter. But, UTP cable supports only and only up to 100 meter. Twisted pair, ये भी आपका token ring network में हम use करते थे. But CAT 3 token ring plus 10BASE-T Ethernet. Now what is 10BASE-T Ethernet? 10BASE-T Ethernet use in star topology. So if we talk about LAN nowadays, if we talk about LAN, so in LAN we are using only and only star topology, and in that technology name, if you talk topology is what? Star. Topology is star. Devices हम जो use कर रहे हैं like hub और switch, और उसके अंदर cable use कर रहे हैं UTP और STP, but that technology is called Ethernet. Okay, so here we are using 10BASE-T Ethernet. So 10 Mbps speed है, baseband technology है, twisted pair हम इसके लिए use करते हैं और Ethernet के लिए use किया जाता है. So we'll discuss about this Ethernet, what is Ethernet. उसके बाद आपका fast Ethernet आया, like here you can see. So Ethernet means which support only and only 10 Mbps. If we talk about Ethernet, Ethernet means only and only 10 Mbps. But when we talk about fast Ethernet, it support 100 Mbps. If we talk about gigabit Ethernet, it's 1 Gbps. If we talk about 10 gig Ethernet, then it's 10 Gbps. So remember, Ethernet 10 Mbps, fast Ethernet 100 Mbps, gigabit Ethernet 1000 Mbps, that means 1 Gbps, and 10 gig Ethernet is 10 Gbps. Clear? So here you can see the multiple categories are available. Cat 4, Cat 5 E से 1 Gbps तक support होता है. 100 meter same twisted pair जो कि use की जाती है Ethernet, fast Ethernet, gigabit Ethernet में. Nowadays every computer is having at least gigabit Ethernet card. Remember, nowadays Pentium 4 onwards, if you remember the Pentium 4 computers पहले आते थे, Pentium 3 तक हमारा fast Ethernet ही था, लेकिन Pentium 4 onwards motherboard पर भी जो inbuilt NIC card आने लगे थे, that was gigabit Ethernet. So अगर आपके पास gigabit latest computer है, it support minimum, sorry not minimum, at least वो gigabit Ethernet होगा, either 10 gigabit Ethernet होगा. So अब जो आपकी नेटवर्क की स्पीड होती है, वो इट्स नॉट डिपेंड ओनली एंड ओनली योर एनआईसी. रिमेंबर, इट्स नॉट डिपेंड ओनली ऑन ओनली योर एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द मीडिया विच इज कनेक्टेड विद योर एनआईसी एंड ऑल्सो द नेक्स्ट पॉइंट, दैट मीन एंड पॉइंट फ्रॉम वेयर इट्स कनेक्टेड. लाइक अगर वो स्विच से कनेक्टेड है, तो स्विच हमारा किस तरह का है, वो ईथरनेट स्विच है, फास्ट ईथरनेट स्विच है, या गीगाबिट ईथरनेट स्विच है, तो उसी तरह से आपका कम्युनिकेशन होगा. कैट 5 ई अगर आप केबल यूज कर रहे हैं,
और दोनों तरफ आपका अगर गीगाबिट इथरनेट है, दैट मीन गीगाबिट इथरनेट आपका स्विच है और गीगाबिट इथरनेट ही आपका एनआईसी है कंप्यूटर का, तो देन इट कैन सपोर्ट अप टू 1 Gbps. स्कैट 6 आपका सेम सपोर्ट अप टू 10 Gbps इथरनेट. हियर इफ वी टॉक अबाउट कैट 6A 10 Gbps इथरनेट एंड अनदर इज कैट 7 इट सपोर्ट 10 Gbps इथरनेट अप टू 100 meters. सो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ यूटीपी एंड एसटीपी केबल्स. ओके, नेक्स्ट इज एसटीपी. सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यूटीपी एंड एसटीपी एक्सेप्ट दिस शील्डिंग. यूटीपी इज अनशील्डेड एंड एसटीपी इज शील्डेड. सो शील्डेड, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ दिस? इट प्रोटेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस. रिमेंबर, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस. So if any kind of electromagnetic interface you found, then it will protect it and there is no kind of data will be lost. Because of yahan pe kya hota hai, aapke data copper wires hain, copper wires mein hamara data always and always electrons mein flow hota hai. So it can create a electromagnetic field. That's why if you are using the shielded twisted pair and uske saath saath koi electrical wire kahin se ja raha hai, to then it will protect to attract the another electrons to on this cable, so it will not lose any kind of data. So this is a, that's why it's costly, otherwise you can use the UTP. Next, if we talk about another thing, fiber optic cable. Now fiber optic cable basically use kiya jata hai normally vans ke liye. However, we can use it for the fast bandwidth के लिए हम इसको normally use करते हैं. It can use for the LAN as well as WAN, but most of the time we used fiber optic cable for the WAN only. Okay? तो originally किससे connected होता है? अभी हमने जो discuss किया coaxial cable का, coaxial cable में thicknet, thinnet, या फिर अगर हम बात करते हैं twisted pair की जिसके अंदर STP और UTP available है, वो सभी wires हमारी क्या थी? Copper wires थी. But now here, if we talk about fiber optic cable, जैसे कि name से पता चल रहा है कि fiber है, glass उसके अंदर होता है, तो उस glass के through हमारा data transfer होता है in optical signals. Remember, light waves में हमारा data transfer होता है, not electrical signals. Copper wire में, coaxial, UTP, STP cables में हमारा electrical data transfer होता है in electrical signals. But here in this wire, always and always your data will be transferred in optical signals, in light signals. Clear? So, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, same here, we are talking about the light signals आपकी use होती हैं, LED use की जाती हैं. Norm किसके लिए हम use करते हैं? High bandwidth capacity के लिए use करते हैं, जो कि gigabits में होता है. जबकि अगर हम बात करते हैं cat 2, 3 की और 4 की, तो वो अप टू सपोर्ट करते थे ओनली 100 Mbps, बट इट सपोर्ट गीगाबिट इथरनेट. लॉन्गर डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं बिटवीन द डिवाइसेस, बिटवीन द सिटीज एंड बिटवीन द स्टेट्स, फ्रॉम 2 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर. अब ये 2 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की अगर हम बात करते हैं, इसको भी कैटेगराइज किया जाता है. फाइबर ऑप्टिक केबल्स भी आपके दो तरह से अवेलेबल है, मिक्स्ड मोड एंड सिंगल मोड. सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट इट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट करता है बिकॉज ऑफ शील्डिंग होती है. सो नॉर्मली हम फाइबर ऑप्टिक केबल को किसके लिए यूज करते हैं? वैन के लिए. ओके, बट समवेयर यू कैन यूज इन द लैन एज वेल एज, बट इट विल बी कॉस्टली. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी मोड एंड सिंगल मोड? मल्टी मोड केबल आपकी यूज की जाती है मोस्टली लैन के लिए या सैन के लिए, स्टोरेज एरिया नेटवर्क के लिए या डेटा सेंटर्स में यूज की जाती है. लाइक अगर आपका कोई सैन नेटवर्क है, तो वहां पे मोस्टली हम ऑलवेज मल्टी मोड फाइबर्स यूज करते हैं. लो कॉस्ट कनेक्टर्स अवेलेबल होते हैं इसके, लोअर इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है, बट फाइबर कॉस्ट ऑलवेज एंड ऑलवेज विल बी हायर. सो इफ एंड इट सपोर्ट्स ओनली अप टू 2 किलोमीटर. रिमेंबर, मल्टी मोड केबल, मल्टी मोड फाइबर सपोर्ट्स ओनली अप टू 2 किलोमीटर. That's why it's used for LAN. But if we talk about single mode cable supports up to 10 gig. Same here, it's also support up to 10 gig. Costly,
होती है, बट इसका फाइबर की अगर हम बात करते हैं, इसके कनेक्टर्स आपके कॉस्टली होते हैं, इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपकी कॉस्टली होती है, हायर होती है, बट फाइबर कॉस्ट ऑलवेज चीपर होती है. सो डिस्टेंस सपोर्ट अप टू 60 किलोमीटर प्लस, सो दैट्स व्हाई इट ऑलवेज यूज फॉर द वैन एंड मैन एक्सेस आइदर इन द कैंपस. साथ में मल्टी मोड भी आपके दो तरीके से अवेलेबल है, एक स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड एंड अनदर इज ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड. वन इज स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड, अदर इज ग्रेडेड इंडेक्स मोड मल्टी मोड. दोनों में डिफरेंस क्या है? ओनली एंड ओनली द वे ऑफ सिग्नल ट्रांसफरिंग, कि किस तरीके से आपके सिग्नल ट्रांसफर होंगे. इसके अंदर आपके जिगजैग में सिग्नल्स ट्रांसफर होंगे एंड इसके अंदर आपके लाइक वेव्स में डेटा ट्रांसफर होगा. वाइल सिंगल मोड इज अ सिंगल मोड जिसके अंदर किसी तरह का कोई मल्टी मोड फंक्शन नहीं है, ओनली डेटा विल ट्रांसफर टू सिंगल डायरेक्शन. क्लियर? सो दैट इज फाइबर ऑप्टिक केबल. सो हियर देयर आर द डिफरेंट काइंड ऑफ केबल्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट विच कैन यूज फॉर द लैन और वैन. फॉर द लैन बेसिकली नाउडेज वी आर यूजिंग ओनली एंड ओनली यूटीपी केबल्स, एसटीपी केबल ऑल्सो यू कैन यूज, एंड फॉर द वैन वी यूज फाइबर ऑप्टिक केबल. और फॉर द मोस्टली स्टोरेज नेटवर्क वी आर यूजिंग मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल. नाउ ईथरनेट, व्हाट इज ईथरनेट? एज आई टोल्ड यू, ईथरनेट इज जस्ट अ टेक्नोलॉजी. ईथरनेट, व्हाट इज ईथरनेट? ईथरनेट इज अ टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड ओवर द लैन. हम इसको नॉर्मली वैन में यूज नहीं करते. ईथरनेट इज ओनली एंड ओनली यूज ओवर द लैन वेयर वी आर यूजिंग द स्टार नेटवर्क और स्टार टोपोलॉजी. ओके, सो हियर ईथरनेट वॉज डेवलप्ड बाय द जेरॉक्स इन 1970, इंप्लीमेंटेड थ्रू द थिकनेट केबल. थिकनेट केबल आई टोल्ड यू क्रॉस केबल, सॉरी कोएक्सल केबल में यूज किया जाता था, जो कि 10 एमपीएस तक स्पीड सपोर्ट करती थी. नॉर्मली नाउडेज अगर हम ईथरनेट की बात करते हैं तो ईथरनेट आप कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, एटलीस्ट फास्ट इंटरनेट आपको मिलेगा ही मिलेगा. सो ईथरनेट इज अ कनेक्शन मीडिया एक्सेस मेथड दैट अलाउ ऑल होस्ट ऑन अ नेटवर्क टू शेयर द सेम बैंडविड्थ ऑफ अ लिंक. व्हाट इज दैट मीन? दैट मीन्स ईथरनेट पर जितने भी नंबर ऑफ डिवाइसेज आपकी कनेक्टेड हैं, वो आपके सेम मीडिया को यूज करेंगी और उसकी सेम बैंडविड्थ को यूज करेंगी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए. नेक्स्ट, ईथरनेट एक्चुअली जस्ट रेफर टू द लैन. एज आई टोल्ड यू कि लैन के लिए ही हम ओनली यूज करते हैं. ईथरनेट जो आपका आई ट्रिपली का स्टैंडर्ड होता है, दैट इज 802.3 पर ऑपरेट होता है, 10 एमपीएस ऑन कोएक्सल केबल एंड ऑल्सो ऑन द ट्विस्टेड पेयर केबल. सो ईथरनेट का जो आई ट्रिपली स्टैंडर्ड है, दैट इज 802.3. रिमेंबर इट. मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूअर भी क्वेश्चन करता है कि ईथरनेट आपका आई ट्रिपली के किस स्टैंडर्ड पे वर्क करता है. सो 802.3 के स्टैंडर्ड पे आपका ईथरनेट यूज होता है. फास्ट ईथरनेट की अगर हम बात करते हैं तो 10 एमबीपीएस नोन एज फास्ट ईथरनेट, जो कि ट्विस्टेड पेयर केबल्स में ही यूज होता है. 1000 एमबीपीएस की अगर हम बात करते हैं, इट्स कॉल्ड गीगाबिट ईथरनेट. एज आई टोल्ड यू, ईथरनेट मींस 10 एमबीपीएस, ओनली एंड ओनली 10 एमबीपीएस. 100 एमबीपीएस मींस फास्ट ईथरनेट, 1000 एमबीपीएस मींस गीगाबिट ईथरनेट, जिसको हम यूज कर सकते हैं ओवर द फाइबर एज वेल एज ट्विस्टेड पेयर केबल. क्लियर? अब 802.3 पर हमारे जो अवेलेबल है कंपोनेंट्स, वो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट्स आर अवेलेबल ऑन द ईथरनेट, कि कौन कौन से ट्रांसमिशन मेथड्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके यूज किए जाते हैं. सो दैट इज ट्रांसमिशन, मीडिया एक्सेस एंड कॉलिजन हैंडलिंग. देयर आर थ्री थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस. लाइक मीडिया एक्सेस की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज द मीडिया एक्सेस? एनी स्टेशन ऑन अ लैन कैन एक्सेस द नेटवर्क एट एनी टाइम. यस, मीडिया एक्सेस का मतलब क्या है कि अगर हमारे एक लैन के अंदर मल्टीपल स्टेशन मींस मल्टीपल मशीन्स हैं, तो वो उस नेटवर्क को एट ए टाइम एक्सेस कर सकते हैं. बिफोर सेंडिंग डेटा स्टेशन लिसन फॉर ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क. रिमेंबर, कभी भी कोई भी मशीन, जब हम एक लैन यूज करते हैं, एक मीडिया यूज करते हैं, तो ऑलवेज एंड ऑलवेज एक मशीन जब भी डेटा को ट्रांसफर करेगी, उससे पहले चेक करेगी कि कोई अनदर मशीन तो डेटा को ट्रांसफर नहीं कर रही है सेम मीडिया पर.
That is, this line is saying, stations listen for traffic on the network. कि जब कभी भी कोई भी अगर मशीन आपका डेटा ट्रांसफर करेगी तो उससे पहले वो मीडिया के अंदर चेक करेगी कि कोई अदर मशीन या अदर कंप्यूटर तो आपका डेटा ट्रांसफर नहीं कर रहा है ओवर द नेटवर्क. अ स्टेशन वेट अंटिल इट डिटेक्ट नो ट्रैफिक बिफोर इट ट्रांसमिट डेटा. क्लियर? यानी हमारी जो मशीन होगी वो ऑलवेज ऑनवेज तब तक वेट करेगी जब तक कि वो श्योर नहीं हो जाए कि कोई ट्रैफिक आपका फॉरवर्ड नहीं हो रहा है over the network, then it will transfer. Clear? Next, आपका collision handling. Collision handling क्या होता है? Same Ethernet, यहाँ पर same environment की बात कर रहे हैं हम. Ethernet is a first come first serve. यानी Ethernet में always and always क्या होता है? कि अगर multiple machines आपकी check कर रही हैं, तो जो भी पहले transfer करेगी, then उसका data transfer होगा, ना कि another's का. Another machines will wait till that time कि जब तक कि first का data complete transfer नहीं हो जाएगा. क्लियर? सो इन सच एनवायरमेंट एनी स्टेशन ऑन द नेटवर्क कैन ट्रांसमिट व्हेन एवर द नेटवर्क इज क्वाइट. क्लियर? नेटवर्क में जब तक दैट मींस कुछ भी अगर ट्रांसफर नहीं हो रहा है देन ओनली कोई भी मशीन डेटा को ट्रांसफर कर सकती है, बट इट विल डिपेंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. अ कोलिजन अकर्स व्हेन टू स्टेशंस लिसन फॉर ट्रैफिक, हियर नन. कोलिजन कब होता है? कि एट ए टाइम दो मशीन को डेटा अपना ट्रांसफर करना था, दोनों मशीन ने क्या चेक किया कि कोई भी डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है ओवर द नेटवर्क. उन सभी ने क्या सुना कि कुछ भी डेटा वहां पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो देन क्या करेंगी? देन ट्रांसमिट डेटा एट द सेम टाइम. यानी अगर दोनों मशीन एट ए टाइम डेटा को ट्रांसफर कर देती है देन ओनली कॉलिजन मिलेगा वहां पर, देन ही कॉलिजन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. सो ऑलवेज कॉलिजन को हैंडल करने के लिए क्या करता है कि पहले क्या हो, डेटा को सभी मशीन चेक करें कि कोई अनदर डेटा तो ट्रांसफर नहीं कर रहा है, अगर कोई नहीं है देन मशीन को अलाउ करेगा कि नाउ यू कैन ट्रांसफर द डेटा. ओके, बोथ ट्रांसमिशन आर डैमेज ऑफकोर्स. कि अगर सेम मीडिया हम यूज कर रहे हैं, लाइक यहां पर अगर हम बस टोपोलॉजी की बात करते हैं तो उसके अंदर भी क्या है कि अगर एट ए टाइम ये चेक करते हैं कि कोई भी डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है और बोथ विल ट्रांसफर द डेटा एट ए टाइम, देन व्हाट विल हैपन? डेटा कैन बी कॉलाइज हियर. ओके, और जब कॉलिजन होगा तो डेटा डैमेज भी हो सकता है. देन कॉलिजन हैंडलिंग के केस में क्या करेगा कि स्टेशन मस्ट रीट्रांसमिट एट अ लेटर टाइम, कि इसके बाद कुछ टाइम बाद वो दोबारा रीट्रांसफर करे. इसी में हम सीएसएमए सीडी की बात करते हैं. What is CSMA CD? Carrier sends multiple access with collision detection. अगर हम यहां की बात करते हैं कि मीडिया एक्सेस है और कॉलिजन हैंडलिंग, उनका टोटल मिला के आपका CSMA CD. कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, कि अगर आपके एट ए टाइम मल्टीपल डेटा ट्रांसफर हो रहा है विद कॉलिजन डिटेक्शन, साथ में उसको डिटेक्ट भी करें. सो CSMA CD इज अ मीडिया एक्सेस कंट्रोल मेथड यूज मोस्टली नोटेबली इन early ethernet technology for local area network. अगर हम पहले की CSMA की बात करते हैं तो वहां पर इस तरह का डिटेक्शन अवेलेबल नहीं था LAN के अंदर कि वो उसको डिटेक्ट कर पाए. Nowadays ये क्या करेगा, ये सेंस करेगा टू डिफर ट्रांसमिशंस अंटिल नो अदर स्टेशंस आर ट्रांसमिटिंग. सो रिमेंबर इन सिंपली अगेन आई एम सेइंग कि ये तब तक डेटा को ट्रांसफर नहीं करने देगा. अभी हम जो यूज करते हैं वो CSMA CD ही टेक्नोलॉजी यूज की जाती है आपकी, कि वो तब तक डेटा को ट्रांसफर नहीं करने देगा जब तक कि वो क्लियर नहीं हो जाए कि कोई भी अनदर मशीन डेटा को ट्रांसफर नहीं कर रही है. तो CSMA CD इज द मॉडिफिकेशन ऑफ प्योर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस. जो स्टार्टिंग का आपका CSMA था उसका जस्ट एक मॉडिफिकेशन जिसके अंदर CD आपका यूज हो गया, यानी कॉलिजन डिटेक्शन इज यूज टू इंप्रूव CSMA परफॉर्मेंस बाई टर्मिनेटिंग ट्रांसमिशन एज सून एज कॉलिजन इज डिटेक्टेड. जैसे ही कहीं पर भी कॉलिजन डिटेक्ट होगा वो तुरंत सभी मशीन्स का डेटा ट्रांसमिशन टर्मिनेट कर देगा और देन तब तक नहीं होने देगा जब तक कि आपका क्लियर नहीं हो जाएगा एंड देन इट विल ट्राई टू रीट्रांसफर. क्लियर? दैट इज द CSMA CD. आई थिंक इट्स क्लियर. एक
इमेज मैंने लिया गूगल से, वो भी आपको थोड़ा सा इजिली क्लियर इसमें करेगी कि व्हाट इज सीएसएमएसीडी, कि इसने आपका डेटा ट्रांसफर किया इसको, देन आप ओके चला गया, इसने डेटा ट्रांसफर किया इसको, ओके चला गया, बट एट ए टाइम दोनों ने सेंस किया कि कोई डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, देन ऑफकोर्स कॉलिजन होगा। तो जब कॉलिजन होगा, कि अगर कॉलिजन हुआ यहां पर, देन सीएसएमएसीडी क्या करेगा, इमीडिएटली डिटेक्ट करेगा कि कहीं पर हमारे मीडिया में कॉलिजन हुआ है, देन वो तब तक जब तक कि वो क्लियर नहीं हो जाएगा आगे किसी भी डेटा को ट्रांसफर नहीं होने देगा। क्लियर है? तो दैट वाज अवर मीडिया एंड मीडिया टाइप्स। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ईथरनेट केबलिंग, मैं यहां पे बात करूंगा बेसिकली यूटीपी केबल्स की, जो कि हम लैन के अंदर यूज करते हैं, यूटीपी केबल और एसटीपी केबल्स। यूटीपी केबल्स में एज आई टोल्ड यू कि आपके फोर पेयर्स होते हैं, दैट मींस आठ वायर होते हैं, लेकिन क्या आठों वायर वहां पर यूज होते हैं? नो, ओनली एंड ओनली आपके सिर्फ और सिर्फ फोर वायर्स यूज होते हैं, और वो फोर वायर्स कौन कौन से होते हैं? ओनली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स। रिमेंबर, जो आपका आरजे 45 कनेक्टर होता है, आरजे 45 कनेक्टर में आपके एट वायर्स होते हैं, उसमें से ओनली एंड ओनली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आपका यूज नहीं, सॉरी थर्ड, फोर्थ यूज नहीं होता है, फिफ्थ यूज नहीं होता है, सिक्स्थ, सेवंथ यूज नहीं होता, एंड देन एट्थ यूज नहीं होता। ओनली एंड ओनली फोर वायर्स यूज किए जाते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, 1 2 3 6। रिमेंबर, 1 2 3 6। सो हियर इफ यू टॉक अबाउट लाइक हियर, कि ये आपका टीएक्स प्लस को डेटा को ट्रांसफर करेगा, टीएक्स माइनस, दैट मींस ट्रांसमिटिंग डेटा जो पॉजिटिव होगा, ट्रांसमिटिंग डेटा नेगेटिव। साथ में ये 3 और 6 यूज किए जाते हैं रिसीविंग डेटा प्लस के लिए और रिसीविंग डेटा माइनस के लिए। क्लियर? नॉर्मली हम यूटीपी केबल या एसटीपी केबल की अगर बात करते हैं, तो उसके अंदर जो केबल्स यूज किए जाते हैं, उसके अंदर जो आठ वायर्स होते हैं, उनमें से 1 2 3 और 6 ओनली यूज की जाती हैं, 1 और 2 फॉर डेटा ट्रांसफरिंग, 3 और 6 फॉर रिसीविंग। वाई? कि किसी भी तरीके से हमारा कॉलिजन कहीं पर ना हो। दैट्स वाई स्टार टोपोलॉजी इज मच बेटर देन द अदर टोपोलॉजीज। यूटीपी केबल जहां पर हम यूज कर रहे हैं, इट्स इजियर टू क्रिएट द टोपोलॉजी, इट्स इजियर टू एक्सटेंड द नेटवर्क, एंड इट्स इजियर टू ट्रांसफर द डेटा। तो कभी भी किसी तरह का कॉलिजन नहीं होने देगा। ऑलवेज एंड ऑलवेज डेटा को ट्रांसफर करेगा 1 और 2 से, रिसीव करेगा 3 और 6 से। सेम अगर यहां पर आपका दोनों एंड पर आपकी एक केबल है, एक कनेक्टर मैंने इधर ये 8 वायर्स कनेक्ट किए, अदर एंड पर भी मेरे 8 वायर्स कनेक्ट होंगे। सो अगर हम यहां पर भी एक कंप्यूटर कनेक्ट कर देते हैं, तो कंप्यूटर हमारा जो डेटा ट्रांसफर करता है 1 2 से ट्रांसफर करता है, 3 6 से रिसीव करता है। यहां पर भी अगर हम एक कंप्यूटर कनेक्ट कर देते हैं, तो ये भी क्या करेगा, 1 और 2 से ट्रांसफर करेगा और 3 और 6 से रिसीव करेगा। देन अगर हमने इस तरह से कनेक्शन किया, तो ये क्या कर रहा है, ये भी 1 और 2 से डेटा को ट्रांसफर कर रहा है और ये भी 1 और 2 को डेटा को ट्रांसफर कर रहा है, देन क्या होगा, कॉलिजन, कोई भी रिसीव कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये 3 और 6 आपके रिसीव के लिए है, तो जब कोई सेंड ही नहीं करेगा तो रिसीव कहां से करेगा। क्लियर? क्योंकि ये भी रिसीव के लिए बैठा हुआ है, ये भी रिसीव के लिए हुआ था। इसलिए जब केबलिंग बनाई गई कि हम किस तरह से, अगर हमारे पास एक केबल है तो उसके दो एंड होते हैं, यहां पर हम उसका कनेक्टर किस तरह से बनाए और यहां पर कनेक्टर किस तरह से बनाए, उसके लिए केबलिंग की गई, वो डिफरेंट टाइप्स की केबल्स की गई। नॉर्मली हम 3 टाइप्स की केबल यूज करते हैं यूटीपी के अंदर, स्ट्रेट थ्रो केबल, क्रॉस थ्रो केबल एंड रोल ओवर केबल। तो स्ट्रेट थ्रो केबल यूज की जाती है मोस्टली डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। लाइक अगर मैं यहां पर कंप्यूटर यूज कर रहा हूं, तो अनदर एंड पर यूज किया जाएगा अनदर डिवाइस लाइक हब, स्विच, ओके, नॉट एनी काइंड ऑफ होस्ट। कंप्यूटर क्या है, एक होस्ट है, जबकि अदर एंड पर इट शुड बी ओनली एंड ओनली नोड, नॉट होस्ट। नोड एंड होस्ट में क्या डिफरेंस है, बेसिकली नोड मींस इज अ नेटवर्क डिवाइस, कोई भी एक नेटवर्क डिवाइस नोड हो सकती है, कंप्यूटर है वहां पे भी एनआईसी कार्ड लगा हुआ, तो दैट इज ऑल्सो नोड। स्विच है, उसके अंदर भी
एनआईसी कार्ड्स हैं, दैट मींस आपके कनेक्टर्स हैं जो कि कम्युनिकेशन कराता है, दैट इज ऑल्सो नोड। राउटर है, वो भी आपका नोड है। बट होस्ट जो एक्चुअल में डेटा को सेंड या रिसीव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड होस्ट। सो अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर क्या कर रहा है, आपका डेटा ट्रांसफर कर रहा है। क्लियर? तो यहां पर क्या होगा, या तो हब यूज होगा या स्विच होगा, यानी होस्ट टू स्विच और हब। राउटर इज ऑल्सो लाइक अ होस्ट। सो राउटर, बिकॉज राउटर इज ऑल्सो जनरेटिंग द नेटवर्क ट्रैफिक, राउटर ऑल्सो सेंड द डेटा टू द अनदर डिवाइसेस। सो राउटर से अगर हम स्विच या हब को कनेक्ट करना है, कंप्यूटर टू स्विच, कंप्यूटर टू हब, राउटर टू स्विच और राउटर टू हब, लाइक दैट वी कैन यूज हियर द स्ट्रेट केबल। रिमेंबर, स्ट्रेट केबल कैन बी यूज बिटवीन टू डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस। क्रॉस ओवर केबल किस लिए यूज की जाती है, जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिया, दोबारा लेता हूं मैं आपका, कि क्रॉस केबल किस लिए यूज की जाती है, कि यहां पर भी हमारा एक कंप्यूटर है नॉर्मली सेम डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। नाउ वी नो कि यहां पर भी वन एंड टू से ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर पॉजिटिव, ट्रांसफर नेगेटिव डेटा, ये भी ट्रांसफर वन एंड टू से करेगा, ये रिसीविंग थ्री एंड सिक्स से करेगा, ये भी रिसीविंग थ्री एंड सिक्स से करेगा। क्लियर? तो उसके लिए क्या गया, क्रॉस ओवर केबल। क्रॉस वो क्या होता है कि यहां पर जो इस एंड पर, दिस इज अ केबल, ये इसके दो एंड हैं, एक इधर एक इधर, तो इधर जब हम कनेक्टर लगाएंगे तो उस कनेक्टर में जो वायरिंग की जाएगी, फर्स्ट पर जो वायर होगी वो इसके थर्ड पर आएगी, जो इसके टू पर वायर होगी वो इसके सिक्स पर आएगी। दैट मीन यहां से अगर डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो वो ट्रांसफर डेटा पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये वो इसके थ्री और सिक्स पर रिसीव कर पाए। सेम डिवाइसेस यहां पर, सेम हियर, यहां पर अगर कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा है इसका वन और टू इसके थ्री और सिक्स पर। सो रिमेंबर कि यहां पर अगर वन और टू पर जो वायर्स हैं वो रिप्लेस होंगे अनदर एंड पर थ्री और सिक्स पर, थ्री और सिक्स वाले रिप्लेस होंगे वन एंड टू पर, बाकी अनदर केबल्स विल रिमेन सेम। दैट मींस किस तरह से आपके कनेक्टेड होगी, इसके हम नॉर्मली इस तरह से भी कर सकते हैं, वन टू थ्री सिक्स, यानी जिसको लिखा जाता है हिंदी में हम बोल सकते हैं 12 36 36 12, कि वन की जगह क्या आएगा अनदर एंड पर थ्री, टू की जगह अनदर एंड पर क्या आएगा सिक्स, थ्री की जगह वन, सिक्स की जगह टू। तो जब भी हम केबल असेंबल करेंगे तो इसको इजीली रिमेंबर रखने के लिए फॉर्मूला होता है कि 12 36 यानी और 36 12, यानी वन को थ्री पर अनदर एंड पर, टू वाले वायर को सिक्स पे, थ्री वाले को वन पे, सिक्स वाले को टू पे, या फिर वन थ्री टू सिक्स, ये एक स्टैंडर्ड है फॉर्मूला, वन थ्री टू सिक्स। वन को हम थ्री पर लेके जाएंगे, थ्री को वन पर लेके आएंगे। रिमेंबर कि जो हमारी एक एंड पर वन पर केबल है उसको हम कहां पर लेके आएंगे, थ्री पॉइंट पर, थर्ड पर, और जो यहां पर थ्री पर है उसको कहां पर लेके जाएंगे, वन पर। टू को सिक्स पर लेकर आएंगे और सिक्स को टू पर। क्लियर? यहां पर वन को हम कहां पर लेके आए, थ्री पर, और थ्री को वन पर, टू को कहां पर लेके आए, सिक्स पर, और सिक्स को टू पर, बाकी आपके फोर फाइव एंड सेवन एट विल रिमेन सेम। क्लियर है? इज इट क्लियर? नाउ थोड़ा सा और क्लियर करता हूं कि आपका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट कहां पे लिखे हैं? ओके, सेवन एट। तो यहां पे जो वायर आपकी यूज होंगी इधर एंड पर, सेकंड एंड पर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट। वन विल कम थ्री, टू विल बिकम सिक्स, थ्री विल बिकम वन, फोर विल बी ऑन सेम फोर, फाइव विल बी ऑन फाइव, सिक्स विल गो टू टू, ओके, एंड सेवन विल बी ऑन सेवन,
8 will be on 8. क्लियर? हमारे यहां पर 8 वायर्स हैं. कनेक्टर का जो शेप होता है उस शेप में आपके 8 पिंस होती हैं. फर्स्ट पिन पे फर्स्ट वायर जाएगा, सेकंड पिन पे सेकंड वायर जाएगा, थर्ड पिन पर थर्ड वायर जाएगा, फोर्थ पिन पर, लाइक दैट, इस तरीके से. जबकि अनदर एंड पर क्या हो जाएगा, क्रॉस केबल जब हम बनाएंगे तो इस तरह से रिप्लेस होगा. तो क्रॉसओवर केबल ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज फॉर द सेम डिवाइस लाइक स्विच टू स्विच, हब टू हब, होस्ट टू होस्ट, होस्ट मीन लाइक कंप्यूटर टू कंप्यूटर, और राउटर टू कंप्यूटर एज वेल, बिकॉज राउटर इज ऑल्सो वर्किंग लाइक अ होस्ट. ओके, सो रिमेंबर, राउटर से कंप्यूटर के बीच में हम स्ट्रेट केबल यूज नहीं करते हैं, ऑलवेज एंड ऑलवेज क्रॉस केबल यूज की जाएगी. क्लियर है? स्ट्रेट केबल बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस, क्रॉस केबल बिटवीन सेम डिवाइसेस. नाउ अब मैं कहता हूं कि स्ट्रेट और क्रॉस कुछ नहीं है, ये स्ट्रेट और क्रॉस आपका था फॉर द ईथरनेट एंड फास्ट ईथरनेट. जब से हमारा गीगाबिट ईथरनेट आया है, गीगाबिट ईथरनेट टेक्नोलॉजी आई है, नाउ इट इज इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी. रिमेंबर, इफ यू आर यूजिंग गीगाबिट ईथरनेट एनआईसी ऑन बोथ एंड, देन फॉरगेट अबाउट स्ट्रेट केबल एंड क्रॉस केबल. यू कैन मेक ओनली स्ट्रेट केबल. ऑटोमेटिकली दिस टेक्नोलॉजी विल डिटेक्ट कि मेरे एंड पर मेरी अनदर जो डिवाइस है वो कौन सी कनेक्टेड है, एंड ऑटोमेटिकली इट विल ट्रांसफर डेटा अकॉर्डिंगली. अगर आपका यहां पर स्विच कनेक्टेड है, फॉर एग्जाम्पल स्विच है और ये आपके एक पीसी में कनेक्टेड है इधर, देन ऑल्सो इट विल वर्क. हमारा सेइंग सेम थिंग. यस, नॉर्मली स्ट्रेट केबल आपको डिफरेंट के लिए यूज करते थे, बट नाउ दिस वन इज ऑल्सो कंप्यूटर. इफ दिस वन इज ऑल्सो कंप्यूटर, देन यहां पर भी आपका गीगाबिट ईथरनेट एनआईसी कार्ड है, इधर भी आपका गीगाबिट ईथरनेट एनआईसी कार्ड है, देन दैट डेटा कैन बी ट्रांसफर इजिली बाय यूजिंग स्ट्रेट केबल. फॉरगेट अबाउट क्रॉस केबल, ओनली एंड ओनली इफ यू आर यूजिंग गीगाबिट ईथरनेट एनआईसी कार्ड और गीगाबिट ईथरनेट स्विच और एनी डिवाइस विच सपोर्ट्स गीगाबिट ईथरनेट. क्लियर? अच्छा, इसके लिए अगर हम स्ट्रेट या क्रॉस की बात करते हैं तो यहां पे आपके जो पेयर, जो कलर्स हमारे यूज किए जाते थे उनको हम यूज करते थे. वो किस किस तरह से, कि फर्स्ट वायर पर अगर हम यहां पर बात करते हैं तो उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड है कि यहां पे आपका फर्स्ट यूज होगा ऑरेंज, ऑरेंज व्हाइट, ऑरेंज व्हाइट. व्हाट इज दैट मीन, कि ऑरेंज के साथ आई टोल्ड यू कि आपके फोर पेयर होते हैं जिसमें एक वायर फुल कलर होता है और दूसरा वायर व्हाइट होता है जिसमें उसी कलर की एक बहुत ही छोटी सी लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड ऑरेंज व्हाइट. तो यहां पर पहला आपका ऑरेंज व्हाइट हो गया, दूसरा कंप्लीट ऑरेंज होगा, थर्ड ग्रीन व्हाइट यूज होगा. दैट मींस ग्रीन के साथ जो आपका व्हाइट कलर होता है जिसपे ग्रीन छोटी सी लाइन होती है, दैट वायर विल बी यूज हियर. यहां पर आपका ब्लू, यहां पे आपका ब्लू व्हाइट, उसके बाद सिक्स पर आपका ग्रीन यूज होगा, देन सेवंथ पर आपका ब्राउन व्हाइट, एंड लास्ट इज ब्राउन. रिमेंबर, ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ग्रीन, ब्राउन व्हाइट ब्राउन. क्लियर? दैट मींस अगर हम बात करें तो हमारा सिर्फ और सिर्फ कौन कौन से पेयर यूज हो रहे हैं, ऑरेंज के एंड ग्रीन वाले. क्लियर? ब्लू एंड ब्राउन आर नॉट इन यूज. जो डेटा को ट्रांसफर करते हैं, वन टू थ्री एंड सिक्स वायर्स यूज की जाती हैं, तो उसके लिए फर्स्ट के लिए हम ऑरेंज व्हाइट एंड ऑरेंज, थर्ड के लिए ग्रीन व्हाइट एंड ग्रीन विल बी यूज फॉर सिक्स, फोर पे हम ब्लू एंड ब्लू व्हाइट यूज करेंगे, सेवन एट पर ब्राउन व्हाइट एंड ब्राउन. क्लियर? सो दैट वाज द केबलिंग फॉर स्ट्रेट एज वेल एज क्रॉस. बट हियर सिंपल है कि आपका जब स्ट्रेट ऑरेंज व्हाइट यहां पर फर्स्ट पर है तो यहां पर कहां पर आ जाएगा, थर्ड पर आ जाएगा. ऑरेंज सेकंड पर है तो आपका सिक्स पर आ जाएगा. दैट मींस ऑरेंज का पेयर रिप्लेस हो जाएगा यहां पर ग्रीन वाले से इस एंड पर, और ग्रीन वाला रिप्लेस हो जाएगा
ऑरेंज वाले पर, दैट इज क्रॉस. बट नाउ डेज एज आई टोल्ड यू देर इज नो नीड टू क्रिएट द क्रॉस केबल. यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट ऑल द डिवाइसेज विथ स्ट्रेट केबल, स्ट्रेट थ्रो केबल. यू कैन मेक इट लाइक दैट डायरेक्टली कि जो भी आपके वायरिंग केबल्स स्टैंडर्ड इधर है, सेम स्टैंडर्ड आप इधर भी यूज कर सकते हैं. रिमेंबर ये आपका एक स्टैंडर्डाइज कलर कोडिंग है, अदरवाइज आप कोई भी कलर कोडिंग यूज कर सकते हैं, देयर इज नो नीड, बट डिपेंड ऑन यू. हाउएवर जो भी हमारी स्टैंडर्ड कलर कोडिंग है वो इस तरह से है, आप कोई भी कलर कोडिंग यूज कर सकते हैं. बट वेन एवर यू आर मेकिंग द स्ट्रेट केबल, जो भी कलर कोडिंग आपने इस एंड पर यूज की है, सेम कलर कोडिंग आप इस एंड पर भी यूज करेंगे. क्रॉस केबल अगर आपका है तो जो भी कलर कोडिंग आपने इस एंड पर यूज की है उसको रिप्लेस 1-2 को 3-6 पर लेकर आएंगे, 3-6 को 1-2 पर लेकर आएंगे. क्लियर. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज रोल ओवर केबल. नॉर्मली रोल ओवर केबल जो यूज की जाती है वो हम यूज करते हैं बेसिकली फॉर लाइक ए कंसोल केबल और कम्युनिकेशन केबल और कॉन्फिगरेशन केबल, यू कैन से दैट. तो रोल ओवर केबल का जो यूज किया जाता है नॉर्मली हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, लाइक आपकी राउटर है, स्विच है, जो मैनेजेबल आपके स्विचेज होते हैं, राउटर्स होते हैं, सिंपल है कि उसके अंदर कोई स्क्रीन अवेलेबल नहीं होती है, देन उन डिवाइसेस को अगर आपको कॉन्फिगर करना है तो देन कॉन्फिगरेशन पर्पज के लिए हम यूज करते हैं रोल ओवर केबल. रोल ओवर केबल दैट जो कि राउटर और स्विचेस पर एक RJ45 कनेक्टर आपका होता है, एक RJ45 कनेक्टर होता है. RJ45 कनेक्टर के अंदर हमारे एक एंड कनेक्ट होता है जहां पे उस पोर्ट को बोलते हैं कंसोल पोर्ट, राउटर और स्विच के अंदर यूज करते हैं. रिमेंबर जो मैनेजेबल राउटर एंड स्विचेस होते हैं, राउटर सभी मैनेजेबल ही होते हैं नॉर्मली, तो वहां पर क्या होता है एक RJ45 कनेक्टर होता है जिसपे का नाम होता है कंसोल. तो इस केबल को हम कंसोल पोर्ट पर लगाएंगे एक एंड से, जो कि एक एंड हमारा RJ45 होगा एंड अनदर एंड विल बी कॉम पोर्ट, विल बी कम्युनिकेशन पोर्ट. कॉम पोर्ट क्या होता है आपका, अगर आपने देखा हो डी शेप का कनेक्टर होता है जिसके अंदर 9 पिंस होती हैं, इस तरीके से 5 पिंस एक रो में होती हैं, 4 पिंस एक रो में होती हैं, डी शेप का कनेक्टर होता है लाइक दैट. तो एक तरफ आपका RJ45 कनेक्टर होगा जो कि आपके राउटर या स्विच पर कनेक्ट होगा, और दूसरा एंड आपके कंप्यूटर पर कनेक्ट होगा जो कि आपका कॉम पोर्ट होता है या सीरियल पोर्ट हम इसको बोलते हैं. बाय यूजिंग दिस केबल यू कैन एक्सेस योर राउटर ऑन द कम्युनिकेशन पोर्ट और यू कैन कॉन्फ़िगर योर राउटर एंड स्विच. हाउ यू कैन कॉन्फ़िगर, उसके लिए हम एक एप्लीकेशन भी यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड हाइपर टर्मिनल. हाइपर टर्मिनल विंडोज XP एंड 2003 तक आपके विंडोज के अंदर इनबिल्ट इंस्टॉल होती थी, इनबिल्ट अवेलेबल थी. अगर वो इंस्टॉल नहीं भी होती थी तो भी हम उसको एड और रिमूव प्रोग्राम में जाके कंट्रोल पैनल में जाके इंस्टॉल कर सकते थे. बट नाउ ऑन विंडोज विस्टा ऑनवर्ड्स ये आपका अवेलेबल नहीं है, हाउएवर वी कैन इंस्टॉल इट एडिशनली. तो विंडोज XP 2003 में हम स्टार्ट के अंदर और प्रोग्राम एक्सेसरीज कम्युनिकेशन देन हाइपर टर्मिनल अवेलेबल होता था उसको ओपन करते थे, देन कॉम पोर्ट सेलेक्ट करेंगे जो भी हमारा जिस कॉम पोर्ट पर हमने इस केबल को कनेक्ट किया है, then your router and switch configuration part will be open on that console and we can configure that. So uske liye rollover cable use ki jati hai. Is cable ke andar completely opposite hota hai ki jo aapka 1 to 8 jo bhi aapne color coding use kiya hai wo just opposite ho jayega 8 to 1. That means 1 wala wire 8 par aayega, 2 wala 7, 3, 6 par 4, 5 par 5, 4 par 6, 3 par 7, 2 par and 8, 1 par. जस्ट अपोजिट जो भी आपका फर्स्ट एंड है, जो भी कलर कोडिंग आपने यूज किया 1-2-8 वो यहां पर उल्टी हो जाएगी 8-1. क्लियर. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबलिंग पार्ट. इज दैट क्लियर? आई थिंक इट वॉज हेल्पफुल फॉर एवरी वन. समझ में आया होगा. सो नेक्स्ट इट इज वायरलेस. अभी जो हमने डिस्कस किया दैट वॉज वायर्ड. वायर्ड के अंदर कॉपर वायर हमने डिस्कस किया, फाइबर वायर डिस्कस किया, उनकी केबलिंग किस तरह से कनेक्ट करते हैं लैन के लिए, दैट वाज द वायर नेटवर्क कंप्लीटली. हियर इफ वी टॉक अबाउट द वायरलेस कम्युनिकेशन, नाउअडेज एवरीवन अवेयर अबाउट द वायरलेस. सो वायरलेस की अगर हम बात करते हैं तो वायरलेस इज नॉट ओनली द राउटर. सो वायरलेस देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मीडियाज आर अवेलेबल इन द मार्केट.
लाइक सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड दैट इज आईआर वेव्स, इंफ्रारेड क्या है आपका कि लाइक अगर आपने देखा हो कि टीवी के जो रिमोट्स हमारे ये होते हैं, टीवी के रिमोट्स वर्क करते हैं नॉर्मली इंफ्रारेड पर, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज इंफ्रारेड वर्क ऑन स्ट्रेटली, दैट मींस बोथ डिवाइस शुड बी ऑन स्ट्रेट लाइन। अगर आपकी एक डिवाइस यहां पर है, दोनों को कम्युनिकेशन कराना है, तो देन इंफ्रारेड के थ्रू बोथ डिवाइस शुड बी एंड बोथ डिवाइस शुड ट्रांसमिट डेटा बाय यूजिंग इंफ्रारेड इन द स्ट्रेट पोजिशन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज ब्लूटूथ, एज एवरीवन यूजिंग ब्लूटूथ, ब्लूटूथ यू कैन से लाइक इट्स अ मिनी रेडियो वेव्स, जो कि आपके कहीं से भी, देयर इज नो नीड कि वो स्ट्रेट ही यूज हो, आपके एक मिनी रेडियो वेव्स जनरेट होती है, तो देन वहां पर उस एरिया में सपोर्ट अप टू 20 किलोमीटर थियोरेटिकली, 20 मीटर की रेंज में वो आपका ब्लूटूथ वर्क कर सकता है, एक्सेप्ट कि आप किसी वॉल को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, आपकी डिवाइस किसी वॉल को क्रॉस नहीं कर रही है अनदर डिवाइस, देन ओनली इट विल कम्युनिकेट, अदरवाइज नॉट। अगर हम वायरलेस की बात करते हैं, दैट मींस रेडियो वेव्स की बात करते हैं, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ वेव्स, तो वो आपकी वॉल को भी क्रॉस कर सकती हैं, लाइक आप वाईफाई राउटर यूज करते हैं, वाईफाई राउटर दैट इज वायरलेस फिडेलिटी, ये जो हमारा वाईफाई राउटर्स है वायरलेस फिडेलिटी, वो मिनी रेडियो वेव्स को ही यूज करती हैं, आरएफ वेव्स यूज करती हैं, तो ये आपकी वॉल को भी क्रॉस कर सकती हैं, क्लियर। अदर देन दैट आपके लाइक टावर सिस्टम हम यूज करते हैं, जो कि बोथ डायरेक्शंस में डेटा को ट्रांसफर करते हैं, नाउअडेज यू आर यूजिंग मोबाइल डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस टोटली कम्युनिकेटिंग थ्रू दैट रेडियो वेव्स, आपके रेडियो चैनल्स हैं वो भी आपके वेव्स में ही होते हैं, कि अगर बट जहां पर आपका कंजस्टेड एरिया होगा, मे बी आपने फेस किया होगा कि रेडियो स्टेशन वहां पर वर्क करना बंद कर देते हैं, बिकॉज जहां पर कंजस्टेड एरिया होता है रेडियो वेव्स वहां तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या आपकी वॉइस क्लियर नहीं होती है। मोबाइल डिवाइसेस का सेम, कि आपके नेटवर्क चले जाते हैं, वाई, बिकॉज ऑफ इफ यू आर इन अ कंजस्टेड एरिया, तो देन देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वायरलेस मीडिया आर अवेलेबल विच प्रोवाइड्स द कम्युनिकेशन विदाउट एनी वायर। अब वायरलेस के लिए जो हम यूज करते हैं, दैट इज 802.11 IEEE का जो स्टैंडर्ड है, लैन के लिए मैंने आपको बताया, ईथरनेट के लिए 802.3 हम IEEE का स्टैंडर्ड यूज करते हैं, जबकि वायरलेस के लिए 802.11 स्टैंडर्ड यूज किया जाता है। 802.11 स्टैंडर्ड के अंदर भी मल्टीपल हैं, लाइक 802.11b है, 11a है, 11g, 11n, AC एंड AD। नॉर्मली हमारे जो मोबाइल डिवाइसेस होती हैं, जिनकी हम बात करते हैं, जो जिसमें वाईफाई हम कनेक्ट करते हैं, वो सभी मोबाइल डिवाइसेस सपोर्ट्स दीज फोर, एटलीस्ट A, B, G एंड N, नॉट AC एंड नॉट AD। जितने भी आपके मोस्ट ऑफ द मोबाइल्स, एंड्रॉइड मोबाइल्स या आईफोन आप यूज करते हैं, वो मोस्टली वायरलेस का सपोर्ट करते हैं, कौन सा स्टैंडर्ड, ओनली एंड ओनली फ्रीक्वेंसी अप टू 2.4 GHz एंड 5 GHz, ओके। वाइल दैट इज अ फ्रीक्वेंसी, रिमेंबर देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ, सो फ्रीक्वेंसी सपोर्ट्स 802.11 की बात करते हैं, 2.4 GHz, यहां पर फ्रीक्वेंसी 2.4 GHz है, बैंडविड्थ आपके 20 MHz पे काम करती है, जो कि मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट, दैट मीन स्पीड की अगर हम बात करते हैं, तो 2 Mbps, 11 Mbps या लाइक दैट 54 Mbps अगर आप 11G तक यूज करते हैं, बट इफ यू आर यूजिंग 11N इट सपोर्ट अप टू 600 Mbps, बट वाइल इफ यू आर यूजिंग 802.11 AC एंड AD इट सपोर्ट अप टू अप्रोक्सीमेटली 7 Gbps। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियाज आर अवेलेबल, वायर्ड एंड वायरलेस। आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर एवरीवन, थैंक्स। सो वॉट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, next topic we will discuss about the network devices, so thanks a lot, I think it was helpful for everyone,
If you have any query, then you can write to me at techguruyog@gmail.com. Thank you so much. Have a good day.